इस लेक्चर नंबर 16 में हम मॉडुलस के कुछ टू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और ये हमारा मॉडुलस का लास्ट लेक्चर होगा। नेक्स्ट लेक्चर से हम लॉग स्टार्ट करेंगे, लॉग को समझेंगे, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत अलग तरह के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, तो उसको बिल्कुल मिस मत करना, क्योंकि लॉग जो है वो फंक्शन में बहुत काम आने वाला है और उसके बाद भी जितने भी एलजेब्रिक चैप्टर्स हैं सब जगह लॉग काम आता है। इनफैक्ट जेई में मेंस और एडवांस में यदि क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाना है तो उसमें क्या करते हैं, जनरली लॉग को घुसा दिया जाता है, लॉग ट्रिग्नोमेट्री इन चीजों को घुसा दिया जाता है, कभी दोनों को घुसा दिया जाता है एक ही क्वेश्चन में, तो हमें इनको बहुत बारीकी से जानना बहुत जरूरी है। ओके, तो अभी हम ये मॉडुलस की प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन है, इस बार मैंने टू क्वेश्चन लिए हैं, थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन लिए हैं, इनको अच्छे से देखना। और हाँ, मैंने प्रैक्टिस सीट सर्कुलेट कर दी है टेलीग्राम चैनल पर, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके प्रैक्टिस सीट डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये मॉडुलस है, मॉडुलस में अंदर जो भी होता है उसको हम क्या बोलते हैं, समथिंग बोलते हैं, तो इसको भी हम बोल देंगे समथिंग, ये हमारा समथिंग है। तो जो समथिंग इज लेस देन इक्वल टू वन, समथिंग लेस देन इक्वल टू वन, अब देखो अब मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं बनाने वाला हूँ, क्योंकि हाँ कई बार बना के हमने प्रैक्टिस कर लिया, तो आपको भी इनिशियल लेवल पे कोऑर्डिनेट एक्सिस बना के प्रैक्टिस करनी है, बाद में विजुलाइज करना है, और जब तक यदि विजुलाइज नहीं कर पा रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक बनाओ जब तक आप विजुलाइज नहीं कर पाओ। बिना पेन चलाए हमें डायरेक्ट इंटरवल लिखना, हमें पता है वन से छोटा होगा, तो वन से छोटा होगा मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे एक तरफ माइनस वन होगा एक तरफ प्लस वन होगा, और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमें आएगी क्योंकि लेस का साइन है। तो हम बोलेंगे जो समथिंग है, इस समथिंग की वैल्यू हमें क्या मिलने वाली है, माइनस वन से वन इक्वल का साइन है, तो हम बड़ा इंटरवल लगाएंगे, क्लोज इंटरवल। नाउ समथिंग हमारा क्या था, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन, ये पूरी वैल्यू कहां से कहां बिलोंग करेगी, माइनस वन से प्लस वन की इस पे बिलोंग करेगी। अब ये जब बिलोंग कर रही है, अब लेकिन अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये तो थोड़ा अच्छा एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा, तो देखो पहले मैं इसका एक पार्टीशन करता हूँ, फिर मैं इसको समझता हूँ। हम इसको अब पुराने तरीके से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, चलो मैं यहीं पर लिख लेता हूँ एक बार, एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस वन, तो ये वैल्यू वन से छोटी है, वन के बराबर भी है, और ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है, माइनस, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंडीशंस बनाएंगे, पहली कंडीशन इन दोनों को सॉल्व करेंगे और सेकंड टाइम में इन दोनों कंडीशन को सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन, चलो कंडीशन लिख देता हूँ अच्छे से याद रहेगा, नंबर भी डाल देते, कंडीशन नंबर वन। तो फर्स्ट कंडीशन हमें क्या लेना है कि माइनस वन is less than equal to x minus 3 upon x plus 1, इसको सॉल्व करना है। ये सॉल्व करने के लिए माइनस वन को इधर लेकर आएंगे, तो यहाँ जीरो आएगा, लेस देन इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन x प्लस 1 प्लस 1, एलसीएम लेंगे, x माइनस 3 प्लस x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1। अब देखो ये जो वेरिएबल वाली चीज होती है उसको हम लेफ्ट साइड में लिखना ज्यादा पसंद करते, तो मैं इसको सॉल्व करके लेफ्ट साइड में लिखता हूँ, पर सॉल्व क्या होगा, ये x और x 2x हो जाएगा और माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2 हो जाएगा अपॉन x प्लस 1। अब इसकी तरफ हमारा हम देखेंगे वेरिएबल की तरफ कौन सा मूव है, इसका बड़ा मूव, तो हम इस तरफ से साइन यूज करेंगे, जीरो की तरफ बंद मूव है, छोटा तो वो जीरो की तरफ रहेगा। अब इसके लिए हम क्या सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा छोटा बनाया जा सकता है, 2 को कॉमन निकाल दो, या फिर चलो 2 को कॉमन निकाल देंगे और x माइनस वन बचेगा, वो भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, डायरेक्ट हम कर देते हैं, एक नंबर लाइन बनाएंगे और नंबर लाइन बना के हम देखेंगे इसमें जीरोज क्या है, न्यूमरेटर कब जीरो हो रहा है, x इज इक्वल टू वन पर, और डिनोमिनेटर कब जीरो हो रहा है, माइनस वन पर, माइनस वन और वन इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है तो किसको लिया जाएगा, न्यूमरेटर जब जीरो हो रहा है एक्स की वैल्यू पर उस वैल्यू को लिया जाएगा, और जिस वैल्यू को लेते हैं उसको हम सॉलिड सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, जो नहीं चाहिए उसको हम हॉलो सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा कहीं पर भी हम यूज करें। अब
प्लस माइनस प्लस, ग्रेटर का साइन है तो हमें पॉजिटिव वाले इंटरवल लेने हैं। पॉजिटिव इंटरवल हमें लेने हैं, तो इसलिए केस वन से हमें जो एक्स की वैल्यू मिलने वाली है वो क्या मिलेगी, माइनस इनफिनिट से माइनस वन, माइनस वन को नहीं लेना था, यूनियन वन क्लोज टू इनफिनिट, ये वैल्यू हम ले लेंगे। ठीक है, ये केस कंडीशन वन से हमने ले ली। नाउ अब कंडीशन टू अप्लाई करनी है हमें, कंडीशन नंबर टू। कंडीशन टू हमें क्या चाहिए, सेकंड वाला, कि x माइनस थ्री अपॉन x प्लस वन इज लेस देन इक्वल टू वन, ये कंडीशन दी गई है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, जो वन है इसको हम लेफ्ट साइड में लेकर आ जाएंगे, सो x माइनस थ्री अपॉन x प्लस वन माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू जीरो। x माइनस थ्री एलसीएम यहां पर लेंगे तो माइनस ऑफ एक्स प्लस वन आएगा, अपॉन में एक्स प्लस वन आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू जीरो, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या मिलेगा माइनस फोर और नीचे मिलेगा एक्स प्लस वन लेस देन इक्वल टू जीरो। अगेन एक वन पार्टीशन हमें करना है, पार्टीशन हमने किया तो अब देखो यहाँ माइनस फोर है तो माइनस से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो हमें प्लस फोर अपॉन एक्स प्लस वन, अब साइन चेंज हो चुका होगा, ग्रेटर देन इक्वल का बन चुका होगा। अब हमें क्या करना है, यहाँ नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ ओनली पोल है जो कि जीरो होगा, वो भी माइनस वन पर, तो यहाँ से यहाँ प्लस इनफाइनाइट होता है या माइनस इनफाइनाइट, प्लस माइनस का सिंबल यूज करें, प्लस माइनस जैसे ही हमने यूज किया सिंबल, तो अब ग्रेटर का साइन है तो हम पॉजिटिव वाला पार्ट उठा लेंगे यहाँ से, तो हमें आंसर क्या मिलेगा, यहाँ से x belongs to माइनस वन से इनफाइनाइट, माइनस वन इंक्लूड करना था क्या, नहीं पोल था इसके हम इंक्लूड नहीं करेंगे, तो कंडीशन टू ये आ गई। अब हमें क्या करना है, हमें इन दोनों का कॉमन पार्ट लेना है आंसर, तो हमें फाइनल आंसर कैलकुलेट करना है। फाइनल आंसर यहाँ कैलकुलेट करेंगे हम, दोनों का कॉमन हम पहले भी ले चुके हैं कुछ लेक्चर्स में, कुछ क्वेश्चंस में प्रैक्टिस जब हमने की थी, अगेन यहाँ पर लेते हैं हम। यदि आप लोगों ने पहले लेक्चर नहीं देखे हैं सारे लेक्चर्स आप देखो एक एक करके, जिससे अच्छे से क्लियर हो जाए सारे कॉन्सेप्ट्स। अब यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, पहले वाले का आंसर क्या आया था, माइनस वन और वन था, तो माइनस वन को प्लॉट कर दिया, वन को दूसरे में भी माइनस वन को प्लॉट करना है। ठीक है, तो पहला वाला ब्लू से था तो हम ब्लू कलर से करेंगे, कि हमें माइनस वन से सारी छोटी वैल्यू दे दो और प्लस वन से सारी बड़ी वैल्यू दे दो, और दूसरा क्या बोलता है, वो बोलता है मुझे माइनस वन से सारी बड़ी वैल्यू दे, और इसमें भी माइनस वन हमें नहीं चाहिए था क्योंकि ओपन इंटरवल है दोनों में, और प्लस वन पर सॉलिड सर्कल आएगा। तो हम देखेंगे इन दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो कहां से कहां तक आ रहा है, ये प्लस वन से इनफाइनाइट तक आ रहा है, तो इसलिए एक्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ से x की फाइनल आंसर जो है वो कहाँ से कहाँ आ जाएगा, वन, और वन इंक्लूड करेंगे वन से लेकर इनफाइनाइट, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो देखो आंसर बहुत छोटा सा है लेकिन प्रोसेस बड़ी है, पर ये बड़ी प्रोसेस आपको दिख रही है क्योंकि अभी स्टार्टिंग है। यदि मुझे एग्जाम में ये क्वेश्चन करना होगा तो मैं विद इन इतने एरिया में मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ, मैं जरा सॉल्व करके बता रहा हूँ, इतने एरिया में ओनली दिस मच एरिया मुझे रिक्वायर्ड होगा, इतना एरिया मुझे लगेगा, इससे ज्यादा एरिया नहीं लगेगा बिल्कुल, है ना। प्रैक्टिस हो जाएगी, काफी सारे स्टेप्स हम माइंड में कर लेंगे ना, ब्रेन में हमें करना है, और ये जो टाइम है इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये मैक्सिमम मुझे लगेगा 30 to 40 seconds, हाँ बिल्कुल 30 to 40 seconds, इससे बिल्कुल ज्यादा नहीं लगेगा, तो इसलिए हमें बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है इन क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, ये क्वेश्चन है, हमें इसको सॉल्व करना है। अगेन ये अंदर वाली चीज क्या है, समथिंग, हम समथिंग लेके करते हैं। आप लोग क्या करो, पहले वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो, फिर लौट के। ओके, तो आपने पॉज कर लिया, अब मैं
ऐसे महसूस कर रहा हूँ कि आप लोग पॉज करके दोबारा से इस पे आए हैं, सॉल्यूशन कर चुके हो। अब मैं इसका सॉल्यूशन बता दूं, तो यहाँ 1 + 3/x, मेरा दिमाग कहीं और से लग गया था। ये जो समथिंग है, ये समथिंग, तो हम इस समथिंग को ऐसा लिखेंगे, मॉडुलस ऑफ समथिंग इज ग्रेटर देन टू, है ना। कई बार ऐसा भी होता है ना एग्जाम में या फिर क्वेश्चन सॉल्व करते समय कहीं और कुछ याद आ जाता है, तो जस्ट ऐसे ही था, क्योंकि मैं ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे यहाँ करके दिखाना चाहता हूँ जैसे नेचुरली हम एग्जाम में करेंगे, है ना। एग्जाम में हालांकि थोड़े कम स्टेप्स लिखेंगे, काफी सारी चीजें हम कैलकुलेशन अपने माइंड में, मन में, ब्रेन में कर लेते हैं, पर मैं यहाँ ऐसा मतलब दिखाना चाहता हूँ कि मैं पहली बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहा हूँ और हर स्टेप के बाद मुझे क्या करना चाहिए, हर स्टेप मुझे बताता है। तो फिर से क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ मॉडुलस ऑफ समथिंग इज ग्रेटर देन टू, तो समथिंग से याद करेंगे हमारा क्या था, कोऑर्डिनेट एक्सिस पर हम 2 और -2 मार्क करते थे। अब डिस्टेंस 2 से बड़ी चाहिए, तो हम ये दूर वाला पार्ट लेते हैं। ये पास वाला कब लेते हैं, लेस में, दूर वाला पार्ट हम ले लेंगे, 2 से इनफाइनाइट, -2 से -इनफाइनाइट, तो हमें डायरेक्टली समझ में आनी चाहिए चीजें। तो हम लिखेंगे समथिंग बिलोंग्स टू -∞ से -2, इक्वल का साइन नहीं है तो सभी पर स्मॉल ब्रैकेट, और 2 से इनफाइनाइट, ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा अलग तरीके से और लिखते हैं इस, क्योंकि ये जो इक्वेशन है 1 + 3/x, इस तरह से हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको कि समथिंग जो है लेस देन -2 है, और एक और कंडीशन क्या है, समथिंग इज ग्रेटर देन 2। तो ये 2 कंडीशंस हैं हमारे पास, 2 कंडीशंस को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे, ये फर्स्ट कंडीशन और ये सेकंड कंडीशन। ये तो कंडीशन नंबर 1 हम लेके चलते हैं पहले। कंडीशन नंबर 1 है समथिंग इज लेस देन -2। समथिंग का वैल्यू कितना था, 1 + 3/x इज लेस देन -2। -2 को हम इधर लेकर आएंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं, -2 को इधर लेकर आएंगे LHS में, तो हमें क्या मिलेगा, 1 + 2 3 हो जाएगा। सो 3/x + 3 इज लेस देन 0। यहाँ से 3 कॉमन निकाल दो, अंदर क्या मिलेगा, 1/x + 1 इज लेस देन 0। ना इस तरह से हमें मिल जाएगा। नाउ 3s को हम डिवाइड कर देंगे 0 में और एलसीएम ले लेंगे, तो क्या मिलेगा ऊपर, 1 + x / x इज लेस देन 0। ये कंडीशन आ गई। अब इसको हम बेबी कर्व से सॉल्व करते हैं हमेशा, चलिए हम बेबी कर्व से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर -1 और 0 को मार्क किया हमने, यहाँ प्लस इनफाइनाइट होता है, यहाँ -∞, प्लस माइनस प्लस, ये हम मार्क करते हैं। अब हमें कौन सा इंटरवल चाहिए, यहाँ पर हमारा लेस का साइन है इसलिए हम नेगेटिव इंटरवल लेंगे, तो हमें एक्स की वैल्यू मिल जाएगी -1 से 0 ओपन इंटरवल। तो ये कंडीशन 1 से हमें आंसर मिल गया, -1 से 0। नाउ कंडीशन 2, कंडीशन 2, तो यहां पर हमें क्या दिया है, समथिंग इज ग्रेटर देन 2, तो इस कंडीशन को हम यूज करेंगे, 1 + 3/x इज ग्रेटर देन 2। यहाँ ग्रीन कलर से हम सॉल्व करते हैं, 2 को इधर लेकर आएंगे, सो 3/x - 1 बचेगा क्योंकि 1 -2 था, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, ग्रेटर देन 0। एलसीएम लेंगे, सो 3 - x / x इज ग्रेटर देन 0। अब देखो न्यूमरेटर में x का कोएफिशिएंट क्या है, निगेटिव है, तो पहले पॉजिटिव बनाना है, उसके लिए माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरे में, अगर हम जल्दी कर सकते हैं, बड़े हो गए साइन छोटा हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है यूजिंग वीवी कर्व, तो मैं एक पार्टीशन करता हूं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास पॉइंट क्या आ जाएंगे, 0 और 3, इक्वल का साइन नहीं है तो किसी को लेने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस प्लस। अब यहां पर कौन सा साइन है, यहां पर लेस का साइन है ना, लेस का साइन है, तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव इंटरवल ले लेंगे, और जैसे ही हमने नेगेटिव इंटरवल लिया तो हमारा एक्स का वैल्यू कहां से कहां तक आ जाएगा,
जीरो से थ्री ओपन इंटरवल, जीरो से थ्री वैल्यू आ गई हमारी, है ना। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों से हमारी वैल्यूज आ गई, हमें क्या करना है, इन दोनों कॉमन पार्ट लेना है फाइनल आंसर के। तो इनको फाइनल आंसर हम लिखेंगे, फाइनल आंसर तो नंबर लाइन बनाते हैं जिसमें हम दोनों को मार्क कर देंगे दोनों के आंसर को, फिर देखेंगे दोनों का कॉमन पार्ट क्या है। तो कौन कौन से पॉइंट यूज हुए हैं, फर्स्ट वाले में जो पॉइंट यूज हुए हैं -1 और 0, तो -1 को मार्क करेंगे, 0 को मार्क करेंगे और 0.3, 3 को भी मार्क कर देंगे। ये माइनस इनफाइनाइट, ये प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। अब पॉजिटिव साइन हमने ली, सॉरी मैंने रेड कलर लिया, रेड कलर नहीं, हम ब्लू और ग्रीन से करते हैं क्योंकि हमने ब्लू यूज किया था और ग्रीन यूज किया था। तो ब्लू वाला यानी कि कंडीशन नंबर 1 हमें क्या बोलती है कि -1 से 0 के बीच का आंसर चाहिए, ठीक है। हमने -1 से 0 तक के बीच में मार्क कर दिया। और कंडीशन 2 क्या बोलती है, हमें 0 से बड़ा चाहिए और 3 से छोटा चाहिए, 0 से बड़ा और 3 से छोटा, और दोनों ने ही जीनों को एक्सक्लूड किया। यदि इंक्लूड किया होता तो हम 0 को आंसर में ले लेते, पर इस केस में देखते हैं 0 को दोनों ने एक्सक्लूड किया है, आंसर में काउंट नहीं किया, तो इसलिए इन दोनों में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। यहां हम लिखेंगे नो कॉमन पॉइंट या नो कॉमन वैल्यू, इसलिए एक्स बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, फाइव, ये हमारा आंसर होगा, एक्स बिलोंग्स टू फाइव। हाँ कई बार क्वेश्चंस में ऐसा होता है एक्स बिलोंग्स टू फाइव आंसर आता है, एक्स बिलोंग्स टू फाइव, और इसका मतलब क्या होता है एक्स बिलोंग्स टू फाइव का, कि नो सॉल्यूशन, ऐसे एक्स की कोई भी वैल्यू नहीं है जिस पर ये वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करे, नो सॉल्यूशन। तो इस तरह से एक बार मैं स्कोर चेक कर लेता हूं, जब जब भी आपका नो सॉल्यूशन क्वेश्चन आंसर आए तो आपको एक बार और चेक करना चाहिए क्या हमने सारे स्टेप सही किए हैं। कई बार होता है कि हम कहीं छोटी मोटी गलती कर देते हैं, तो एक बार मैं इसको चेक करना चाहता हूँ। 1 + 3 / मॉडुलस था, इसको समथिंग लिया, समथिंग बिलोंग्स टू -∞ से -2, यूनिट 2 टू इनफाइनाइट, समथिंग लेस देन -2, ग्रेटर देन 2, लेस देन -2 हमने लिया, या 3 एलसीएम लिया, एक्स प्लस 1/एक्स लेस देन 0, तो यहाँ पर हमने 0 और -1 को ले लिया। ठीक है, तो -1 से 0 आ गया, दूसरा हमने किया, ये -2 इधर आया, -1 आ गया, 1 - x था, 3 - x बन गया / x हमने लिया, ओ हमने एक जगह मिस्टेक कर दी, एक जगह, बिल्कुल पूरा क्वेश्चन हमने सही से सॉल्व किया है, इसको जब मैंने देखा तो एक जगह मिस्टेक हुई है, कहाँ मिस्टेक हुई है, यहाँ पर, ये जो हमने कंडीशन बनाई थी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, ध्यान से देखना, कई बार गलतियां हो सकती हैं एग्जाम जब क्वेश्चन करोगे, ये जो हमने कंडीशन बनाई है एक्चुअली ये कंडीशन नहीं है, ये क्या है, केस है। तो यहाँ पर जो आप चीज सीखनी है वो क्या है, केस और कंडीशन में अंतर, क्या सीखना है हमें, केस और कंडीशन में अंतर क्या होता है। तो देखो यहां पर हमने क्या बोला है, और का मतलब होता है यूनियन, या फिर बोलो और जब भी आएगा तो हम केस बनाएंगे, क्या बनाएंगे, केस। और केस बनाने का मतलब होता है लास्ट में फाइनल आंसर कैसे निकाला जाता है, ये जो अभी हमने फाइनल आंसर लिया है इस तरह से फाइनल आंसर नहीं निकालते, ये फाइनल आंसर कब निकालते हैं हम, कॉमन आंसर जब कंडीशंस हम लेते हैं। केस में हम क्या करते हैं, जो आंसर आते हैं उन दोनों को यूनियन के फॉर्म में लिख देते हैं, तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो हो जाएगा एक्स बिलोंग्स टू -1 to 0 यूनियन 0 to 3, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ऐसा क्यों हुआ इसको समझना बहुत जरूरी है, अच्छा हुआ ये मुझसे मिस्टेक हुई, मैं बहुत मतलब भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, नहीं तो ये कॉन्सेप्ट समझाना टफ हो जाता मेरे लिए, मैं सोच ही रहा था
केस और कंडीशन में कब मैं कैसे डिफरेंस बताऊं, और आज ये भगवान ने कराई दिया, सो थैंक यू गॉड। हाँ तो आपके लिए बहुत अच्छा हुआ। ये जो और है, और क्या होता है, देखो मैं यहाँ पर दो चीजें बात करूंगा। एक बार हमने ऐसा लिखा x की वैल्यू 4 से छोटी है और 2 से बड़ी है, तो हम इसको ऐसे ब्रेक करके भी लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन 2 एंड x इज लेस देन 4। तो एंड आ गया तो हम बोलेंगे या कंडीशन है, पहली कंडीशन क्या है, x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन क्या है, x की वैल्यू 4 से छोटी होनी चाहिए। तो पहले ने बोला 2 से बड़ा चाहिए, साथ ही साथ 4 से छोटा भी चाहिए, तो हमें इन दोनों का कॉमन पार्ट लेना है, तो हम बोलेंगे कंडीशन बना रहे हैं हम। तो हमने ये वाली जो चीज लिखी है और ये वाली ऊपर जो चीज लिखी है, दोनों चीजें सेम है, बस लिखने का अंतर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं, अब इस तरह से लेस और ग्रेटर एरो के बीच में जो वेरिएबल आएगा तो कंडीशन बनेगी। और अभी क्या था, वेरिएबल नहीं आया, हमने अलग अलग लिखा और लिखा, क्योंकि एक वैल्यू क्या बोल रही है, माइनस टू से छोटा दे दो या फिर प्लस टू से बड़ा दे दो, है ना, या तो माइनस टू से छोटी वैल्यू आ जाए तब भी हम खुश हो जाएंगे, तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर माइनस टू से बड़ी वैल्यू मिल जाए तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम दोनों ही केस में आंसर दे देंगे। तो इसीलिए यहाँ और है तो केस बना, हमने केस वन केस टू बनाया, और इन दोनों केस को हमने क्या किया, यूनियन से ज्वाइन कर दिया। तो याद रखना, जब हमें इस तरह दिख जाए एक्स की वैल्यू टू से बड़ी फोर से छोटी, दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो यहाँ पर बोथ कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, और यहाँ पर या तो ये चल जाए या फिर ये चल जाए, कोई भी एक सेटिस्फाई हो जाए हमारा काम हो जाएगा। तो जब इस ऐसा होगा आइदर और की कंडीशन, या तो ये या फिर ये, तब केस बनाते हैं, और केस बनाने का मतलब है लास्ट में जो केस वन एक दो तीन जितने भी केस हैं सबके आंसर्स को यूनियन करके लिख देते हैं, और कंडीशन मतलब कंपलसरी है दोनों ही सेटिस्फाई होने चाहिए, तब हम क्या करते हैं लास्ट में जो आंसर आता है उसका इंटरसेक्शन लेते हैं, कॉमन पार्ट लेते हैं। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये चीजें। आप इन क्वेश्चंस को जो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन किए इस लेक्चर में 16 नंबर लेक्चर में, इनको 2 से 3 बार बिना देखे सॉल्व करना, तब आपको बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप बारीकियां जो है मैथमेटिक्स की वो समझ में आएंगी, और हर चीज बहुत डिटेल में क्लियर होगी। ओके तो मैंने टेलीग्राम चैनल पर वीवी कर्व मेथड और मॉडुलस की प्रैक्टिस शीट शेयर कर दिए, आप उसको जरूर वहां से डाउनलोड कर लेना, और यदि आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।